तो फिलहाल एक नए दिन की शुरुआत के साथ हम निकल चुके हैं वापस अपनी राह पर, अपनी रोड पर। यहाँ पर अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है मेरे साथ, जो मेरे पहले ट्रैवल्स में नहीं हुई है। तो जब आप नॉर्दर्न पोल में जाते हैं, आर्कटिक सर्कल के पास जब आप होते हैं, ऐसी जगह पर जब आप होते हैं, तो यहाँ पर एक फिनोमेना होता है वाइट नाइट्स का, जिसके बारे में मेरे वीडियोज़ में पहले भी बताया हुआ है। उस फिनोमेना में होता ये है कि यूजुअली अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास, जितनी भी जगह होती हैं नॉर्दर्न साइड में ऑन द आर्कटिक साइड, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है वाइट स्काई करके, जिसमें रात को भी 8, 8:30, 9, 10 बजे भी आपको सन दिख जाता है, और पता ही नहीं लगता है कि इस समय रात हो रही है या दिन हो रहा है, क्या है इस समय, बिल्कुल पता नहीं लगता। तो जैसे ही धूप इस समय है, शाम को 8:30 बजे तक ऐसे ही धूप रहती है, और 1 बजे तक तो ऐसा लगता है जैसे अभी बज रहे हैं 7:30, 8 के आसपास। तो ये मेरे साथ कल हुआ, कल जब मैं पहली बार ही जब मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं घूम रहा था आराम से और मैंने अपनी वॉच भी नहीं देखी थी, जो मैं यूजुअली पहने रहता हूँ। तो धूप आई हुई थी और मैं आराम से घूमे जा रहा था। मैं करीबन जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ से करीबन 4 या 3.5 घंटे में दूर रहूँगा, और टाइम हो रहा था 8:30 उस समय। वो ऐसा लग रहा था ऐसे ऐसी धूप थी, 5 बज रहे हो। अब मेरी तो आदत वही है ना, दिल्ली वाली है, 7 बजे 7:30 बजे तक जो है जब सनसेट होने लगता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ अब घर जाना है। तो यहाँ पर तो भैया स्टोरी डिफरेंट है, यहाँ पर 10 बजे भी सनसेट नहीं हो रहा। तो जब मैंने अपनी घड़ी देखी वापस, तो पता लगा कि रात के 10:30-11 बज रहे हैं। तब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इसे कहते हैं वाइट स्काई। तो आप जब भी यहाँ आएँ ये चीज़ याद रखिएगा कि वाइट स्काई से थोड़ा सा बच के हमेशा रहिएगा, क्योंकि टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता है अगर आप डिफरेंट टाइम जोन से आते हैं।